तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो भाई बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। तो ये कहता है, ऐसा क्वेश्चन काफी बार जेई मेंस में आया है। तो टू पार्टिकल है, ए एंड बी है, ध्यान देना अच्छे से समझना। हर एक का मास अलग अलग है। ए वाला मेरा, ए 1 kg का है, और ये दूसरा वाला जो है वो 2 kg का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये शुरू शुरू में, जब ये सबसे पहले 1 मीटर की डिस्टेंस से छोड़े गए हैं, बात समझ में आ रही है? ये वाला जो सेपरेशन है कोई 1 मीटर है, और रेस्ट से छोड़े गए हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं। अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अब ध्यान देना कि जब ये छोड़े गए हैं तो कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा इनके बीच, सिर्फ एंड सिर्फ ग्रेविटेशन लग रहा है भाई। तो वो ग्रेविटेशन इनका अंदर का मामला है, इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। जो इंटरनल फोर्स होता है, तो ये फिजिक्स में बहुत बड़ी बात होती है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, ठीक है, केवल इंटरनल फोर्स रखते हैं, तो मोमेंटम चेंज 0 होता है, मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है। इनिशियल मोमेंटम फाइनल के बराबर होगा, चाहे कुछ भी चेंजिंग कर लो, वट एवर इन साइड बदलाव आ रहा, सिस्टम में कुछ भी चेंजिंग आ रहा है, तो वो सब क्या है, वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये सेपरेशन 1 मीटर पे छोड़े गए इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके। लेकिन ये कहता है कि जब ये दोनों पास आएंगे तो स्पीड ऑफ ए, भाई 0 से छोड़े गए तो स्पीड बढ़ेगा ना भाई, तो स्पीड बढ़ेगा, तो एक ऐसा समय आ ही जाएगा कि ए के पास कितना स्पीड है, चलो इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये 3 सेंटीमीटर पर आवर है। ध्यान देना, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर आवर है। तो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन इस इंस्टेंट, तो बी कितना स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो तो हमें पता ही नहीं है भाई, वो हमें पता नहीं है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस, इस इंस्टेंट पे इनके बीच सेपरेशन कितना होगा। इस सेपरेशन की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे बी की स्पीड भी तो निकालनी पड़ेगी, तो बिना मैं ये बी के स्पीड निकाले मैं सेपरेशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकता भाई। तो सबसे पहले मैं बी का स्पीड निकालूंगा, देखना लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद मैं एनर्जी कंजर्व कराऊंगा, और एनर्जी कंजर्व कराने के बाद फिर मैं इनके बीच का सेपरेशन निकालूंगा, बात समझ में आया? तो सबसे पहले बच्चों हम मोमेंटम कंजर्व करा के स्पीड निकालेंगे, उसके बाद एनर्जी कंजर्व करा के हम इनके बीच का सेपरेशन निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करते हैं, मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। तो चलो मोमेंटम मैं बता दिया क्यों कंजर्व होगा, तो इनिशियल जब छोड़े गए थे तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, बोलो 0, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, फाइनल मोमेंटम इसकी स्पीड भाई, इसकी स्पीड ए की, मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ ए माइनस मोमेंटम ऑफ बी मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इज, ये तो अब वैल्यू रख दे ए की, हाँ ए की वैल्यू रखता हूँ बच्चों। ए का मास कितना है बोलो, सिंपल सी बात है, ए का मास जो है वो 2 kg था, ठीक है, 2 kg। और एक मिनट, यहाँ से तुम देखोगे ए का मास 1 kg है, तो ये कहता है बी का स्पीड दिया ना भाई, तो ए का मास यहाँ 1 kg, तो थोड़ा सा यहाँ से मैं इसको ए के लिए लिखूंगा ना बच्चों, तो ए के लिए लिखूंगा, तो बेसिकली मैं ये 1 kg लूंगा, तो ये मास आ गया 1 kg। और ए की स्पीड हमें पता नहीं है क्योंकि बी का दिया हुआ है, तो बी का मास कितना है 2, और बी का स्पीड ध्यान देना यूनिट कन्वर्जन 3.6 सेंटीमीटर पर आवर है, ठीक है, तो मैं मीटर पर सेकंड में निकालूंगा ए की स्पीड, तो 3.2 × 3.6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10^-2, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पॉइंट हट जाएगा, और 1 घंटा को मैं सेकेंड, 1 घंटे में को मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा, तो 3600 सेकेंड होते हैं, 60 × 60, तो ये यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए सुंदर तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूँ तो 2 × 10^-5 है, अब मेरा मीटर पर सेकंड में बनेगा। तो इतनी स्पीड से ए चल रहा होगा जब बी थ्री पॉइंट, जब बी कितने से चल रहा होगा भाई, जब बी चल रहा होगा 3.6 सेंटीमीटर पर आवर से, उस वक्त ए इतने से चल रहा होगा,
और इस वक्त इनके बीच सेपरेशन कितना है, दूरी कितनी है भाई, तो ये डिस्टेंस आर, इसकी कैलकुलेशन करनी है। ऐसा क्वेश्चन बार बार जेई मेंस और एडवांस में पूछा गया है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको लगाने आना चाहिए। तो मैंने मोमेंटम कंजर्व करा दिया, अब मैं कंजर्व कराऊंगा एनर्जी। तो देखो, जब छोड़े गए थे तो इनके पास किस टाइप की एनर्जी, भाई कॉमन सेंस की बात है, जब छोड़े गए थे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो था, लेकिन कुछ एक मीटर सेपरेशन था ना, तो आपस में इंटरेक्ट हो ही रहे थे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे थे भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगा शुरू में। बाद में बात करो, फाइनल सिचुएशन में बात करो, फाइनल सिचुएशन में ये दोनों चल भी रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स भी लगा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों को काउंट होगा और दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी भी काउंट होगा। तो भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो उसको मैं कंजर्व करा के सेपरेशन निकाल लूँगा। चलो मान लेते हैं ये जो सेपरेशन लास्ट में आर हो गया है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली, इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। और ये तो आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है। इनिशियल मतलब होता है पुरानी वाली भाई, पुरानी वाली नई वाली के बराबर होगा, पुरानी वाली मैकेनिकल एनर्जी। तो पुरानी वाली मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, तो पुरानी वाली अगर मैं देखूंगा तो काइनेटिक तो चला गया जीरो, पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू नई वाली, नई वाली मेरा फाइनल है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना चला गया, तो सिंपल सी बात है यार, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो चला गया। और पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो पोटेंशियल भाई सबको आता होगा, पढ़ चुके होगे, माइनस टाइम्स मास ऑफ M1, मास ऑफ A, मास ऑफ B और इनके बीच का सेपरेशन R, सिंपल सी बात है, बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों चल रहे हैं भाई, तो हाफ मास ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ B का स्क्वायर माइनस टाइम्स, एक्चुअली मैं जोड़ रहा हूँ भाई, जोड़ रहा हूँ, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज माइनस होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी को छोड़ दो तो हमेशा माइनस होती है, तो जोड़ रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली माइनस आ रहा है। तो माइनस जी मास ऑफ ए मास ऑफ बी और इनके बीच का सेपरेशन अभी जो हमें ज़रूरत है, तो उसको मैं क्या मान लूँ भाई, क्या माने थे, तो इसको मैं आर माना था, तो इस आर की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, इस आर की वैल्यू 1 दिया हुआ है ना वो, चलो सारी वैल्यू रखो और फाइनली आर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये लंबा सा कैलकुलेशन कौन करेगा, तो ये काम आप लोगों का है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो चलो, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो -6.67 × 10^11, ठीक है, और मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, तो मास ऑफ ए 1 kg था, मास ऑफ बी 2 kg था, डिवाइड कर दूं 1 से, सब कुछ यूनिट कांस्टेंट होना चाहिए। हाफ मास ऑफ ए कितना था, 1 था, और वेलोसिटी ऑफ 1 कितना आया था, देखो तो वेलोसिटी ऑफ 1 भाई भूल गए, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ वन ए आया था 2 × 10^-5, तो 2 × 10^-5 प्लस हाफ मास ऑफ बी, मास ऑफ बी कितना है 2 kg, और वेलोसिटी ऑफ टू कितना आया था, तो 3.6 सेंटीमीटर पर आवर इतना था, और -6.67 × 10^-11 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये यहाँ से आर की वैल्यू। तो फाइनली ये पूरा कैलकुलेट कर लेना और ये कैलकुलेशन आपका काम है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.31 मीटर। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो और ज़्यादा वीडियो आप इस पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए फिजिक्स बाय नवनीत सर, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और ये सारे जो टैग आप डालेंगे तो आपको पूरी ग्रेविटेशन की डिटेल आपके पास मिल जाएगी, जेई मेंस जेई एडवांस का ये सारा सोल्यूशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।